लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, जबकि कुछ तो पहले से ही ये तय हो चुकी है कि ये फिल्में अब सिर्फ ऑनलाइन ही रिलीज होगी। वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी है जो थिएटर के अलावा कहीं और रिलीज हो ही नहीं सकती है, भले ही थिएटर खुलने में कितना ही समय क्यों न लगे। हालांकि कुछ फिल्मों को लेकर दर्शक भी ये जानते हैं कि ये फिल्में थिएटर के बजाय कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ बड़ी फिल्में इस साल आखिरी तक सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है, लेकिन एक ऐसी ही फिल्म है जो इस साल भी नहीं हो पाएगी, जो पहले रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार थी लेकिन अब मुश्किल हो गया है। हर कोई लंबे समय से सलमान खान की राधे फिल्म के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फिल्म पिछले ही साल से चर्चा में है और इसी साल दस्तक देने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से जहां एक तरफ थिएटर बंद हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का रिलीज होना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में कहा गया कि फिल्म साल के आखिरी तक रिलीज हो सकती है, लेकिन अब ये भी नहीं होने वाली है। सलमान खान के फैंस इस साल सलमान खान की कोई भी फिल्म नहीं देखने वाले हैं, जबकि उनकी राधे भी अब इस साल के बजाय अगले ही साल होगी। इसकी वजह है फिल्म की शूटिंग, जो अभी तक बची हुई है। सलमान खान फिल्म की शूटिंग अगले ही महीने से शुरू करने वाले थे, लेकिन बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि वो अब किसी भी हाल में इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द नहीं शुरू करेंगे। इस फैसले के साथ ही उन्होंने शूटिंग को कुछ और महीने बाद शुरू करने के लिए कहा है, यानी ये फिल्म अब किसी भी हाल में इस साल नहीं रिलीज हो पाएगी। हालांकि इससे उनके फैंस को भी झटका जरूर लगेगा, लेकिन अगले साल उनके फैंस को ये फिल्म देखने को मिल जाएगी।